दूर में आता है जिला जहाँ वो मेरा खेत है, तो देखने का विषय ये है कि जो जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार है, पिछली बार का जो मुआवजा था किसानों का, वही ईमानदारी से लेखपालों ने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने नहीं पहुंचाया। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया, लेकिन अभी भी राज्य सरकारें इसके प्रति चिंतित नहीं है। पिछली बार का मुआवजा आया नहीं, केंद्र सरकार ने सारा मुआवजा पहुंचा दिया था, इस साल का भी मुआवजा पहुंच गया, लेकिन किसान के हक में उसके अकाउंट में वो मुआवजा पहुंचे, इसके प्रयास की हम लोग पूरी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेट की सरकारें हैं ये भ्रष्टाचार में ऐसी लिप्त हैं, इनके नीचे के अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि किसान को उनका सही हक नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही निराशाजनक है, लेकिन हम लोग पूरी सक्षमता के साथ इसके लिए प्रयासरत हैं कि हमारे किसान भाइयों के साथ पूरा न्याय हो पाए। प्रधानमंत्री ये बहुत ही उत्साहजनक है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी की पहल है वो बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धक है और उनके प्रयास उत्साहवर्धक हैं। हम लोगों को उनके कंधे से कंधा मिला करके ऐसा एक समय बनाने की आवश्यकता है कि किसान से जो प्योरिटी के साथ चीजें निकल रही हैं, बीज की दलाली खत्म हो करके जनता तक सीधे माल पहुंचे, किसान को उसका सही मूल्य मिले और जनता का भी हित हो, किसान का भी हो, क्योंकि किसान राष्ट्रीय शक्ति है और जनता और राष्ट्र और किसान मिलकर के एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण करता है। मैं चाहूंगा कि सभी मिलजुल करके इसके लिए प्रयास करें। परंपरागत खेत को बढ़ावा दिया जा रहा, आधुनिक खेत के साथ परंपरागत खेत का सम्मिश्रण कर नए तरीके इजाद किए जा रहे ताकि किसान की आमदनी बढ़े, उनको जो नुकसान होता था उसमें इजाफा होता है, ये बहुत अच्छा है। इसके लिए ये परंपरागत खेती, पुरानी चीजें जो आविष्कार की किसान ने, जो पद्धति आविष्कार की कि बैल है, गाय है, गाय की जो गोबर है उससे खेती में अगर उसको उपयोग करते हैं तो फायदा मिलता है, तो मिलजुल करके सब चीजें करने की आवश्यकता है। जो भी कार्य अभी प्रधानमंत्री जी ने किए हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। तो ये तो किसान नेता संजय अग्रवाल, इनका मानना है कि केंद्र सरकार कीटनाशकों के प्रयोग को खेती में रोकने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ ही रही है, किसानों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार हो रहा है। कैमरामैन गोपाल दास के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आप बताइए, उसमें ऑडियो तो नहीं आया था, ये बीच में बोल पड़े थे एक बार कहाँ पे?